हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे अपने जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने जीमेल पे, और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना आपको कौन से अकाउंट को डिलीट करना है। मैं जैसे कि ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये जो है ये अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, इसे मुझे डिलीट करना है। और फिर से आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट लिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग ले रहा है। और आपको यहाँ पे डाटा एंड प्राइवेसी का लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और आपको यहाँ पे डिलीट योर गूगल अकाउंट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन लॉक देने के लिए बोल रहा होगा, आपको स्क्रीन लॉक दे देना है। और इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने से पहले अगर आप डाटा को अगर सेव करना चाहते हैं तो आप डाटा को सेव कर सकते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो नाम क्लिक करने के बाद आपको डिलीट अकाउंट क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये अकाउंट अभी यहीं पे है, अभी तक ये हटा नहीं। इसके लिए आपको एक चीज करना है, और आप देख रहे होंगे आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, अकाउंट एक्शन रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है, उसका नीचे आ जाना है, फिर सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप जो अकाउंट डिलीट करना चाह रहे थे उसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं ये डिलीट करना चाह रहा था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आप जिसे डिलीट करना चाहते हैं उसे उसी को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको रिमूव अकाउंट कर देना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो आई वाला आइकॉन आ रहा था वार्निंग का, वो भी जा सकता है। इस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं।